कॉलेज मफत मैच की तरह जा रहे हैं अभी। बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हमने देखा। वाइट बॉल और एक वाइट बॉल, और ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास, देखते क्या होता है। मुझे लग रहा है कि अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी बैटिंग थी। एक ही रन मिलेगा, एक ही संतोष हो रहा होगा। गोपी और ये भैया कीथ कैप में खेला, चार ओवर का मुकाबला। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्कोर फोर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे जरूर। ओनली वन पांच रन, मोमेंट में हम देख रहे हैं। प्रैक्टिस जब भी हम खेलते हैं उसी जो प्लेयर से 100% देने का जो उनका एफर्ट है वो आपको गेम में लगाना होगा, ऑन फील्ड लगाना होगा। बीच ये यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। शायद कुछ प्लानिंग बीपीएल बैंकॉक प्रीमियर लीग सीजन 3। और ये वाइट बॉल, फर्स्ट ओवर नंबर वन कंप्लीटेड। और यहाँ पे स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, बॉल मोबिल एंड बॉल पर पे भावनी। नॉकआउट मैच के टाइम से पहले देखेंगे तो तीसरा मैच है यहाँ पे। बड़े मोमेंट पे थोड़े से दो बॉल पे कॉन्सेंट आपको करना होगा। देखते हैं क्या होता है। फ्रीज जरूर था, शायद अंपायर पूछते रहेंगे। बायरन को नहीं बोलने लगा, बायरन को नहीं बोलने लगा रे। एक मिनट हम सर बताएंगे रिव्यू। यस दैट्स अ फाइल डिसीजन, प्लीज टेक द रिव्यू। टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे वापस एक बार ऐसे मोमेंट पे। ये रिव्यू आएगा क्या?
वो साइड का लगा है ना, वो साइड से लगे Not out, not out. So not out. That's the decision for by our technology man. The right person, right choice और right moment पे right decision लेने का अधिकार उसको ही है. आप कुछ नहीं कर सकते. ये उल्टा गेंद तो गेंद ना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, लेकिन एक रन मिलेगा ये इम्पोर्टेंट है. 5 रन 22 रन बिन्ने आवाज दे, ए बिन्ने आवाज दे. 23 हो गए लास्ट बॉल का. 23 यस 23 रन तो उसके बाद 23 23 से 23 ए बन्ना मुझे बन हां नहीं बात विजय पाटिल बैटिंग मार्केट सनी और मुबीन दो ओवर 23 रन. मोदी टू साउथ गेन वन सेकेंड मारने का प्रयास लेकिन नॉट आउट. 24-24 और ये तो मुझे लग रहा है कि हाथ से शायद छिटक गई. ऐसे मूवमेंट्स आपको नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है. आप रीजनिंग नहीं दे सकते, रीजन नहीं दे सकते. नो बॉल एंड इट इज अ फ्री हिट. और शायद ये अच्छी गेंद विजय की फ्री हिट वाली गेंद थी लेकिन सटीक लाइन ऑफ लेंथ इसकी भी एक रन. और ये बढ़िया चीज और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पिच करने की जरूरत थी लेकिन ये थोड़ी सी हाफ पिचिंग और अंपायर का इशारा. 1 सेकेंड से नो बॉल, 1 सेकेंड इट विल बी अ फ्री हिट. और एक फ्री हिट आती हुई यहाँ पे और फ्री हिट फिलहाल अच्छा प्रयास करना चाहते थे लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के पास. इसी बीच एक रन मिलेगा. कैच जरूर था, 8 थी. स्कोर बोर्ड में स्कोर है
White ball. 30 ball. OP, थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच वंस अगेन अच्छा क्रिकेट 37 रन आफ्टर 3 ओवर 37 रन बिना कोई नुकसान के 37 3 ओवर 37 सलीम और गोबिन अच्छी पार्टनरशिप करते हैं अपने टीम के लिए और ये क्या ये तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टाइम जैब जिसे हम कहेंगे क्या बात है ऐसा शॉर्ट ऐसी मूवमेंट पे क्या बात है व्हाट अ ग्रेट बैटिंग ओहो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट विनर का ये विकेट का पतन पहला विकेट पार्टनरशिप यहाँ पे अच्छी मौके पे जो कॉन्फिडेंस लेवल था थोड़ा सा पड़ेगा अभी बॉलर का भी पहला विकेट का पतन 43 रन लास्ट ओवर है पहले इनिंग की चार गेंदे और ये बड़ा हिट इसके बाद और तीन मैचेस है यस थोड़ी सी अच्छी विकेट कीपिंग भी थोड़ी सी फॉर्मलिंग हुई थी लेकिन नहीं और यहाँ पे थोड़ी सी गलत अंडरस्टैंडिंग लेकिन यहाँ पे दूसरे रन पे ये विकेट एंड द इनिंग्स ब्रेक होता हुआ यहाँ पे पहले ही इसका पता होता हुआ 51 बना है 52 का टारगेट है यहाँ पे मेरे हिसाब से चार ओवर का 52 का जो टारगेट है जैसे वो बहुत ही ज्यादा है अगर आपके पास अभी भी ओवर अच्छी हो जाए तो मुझे लग रहा है कि सोच अगर आपकी अच्छी हो तो इंसान कुछ भी कर सकते हैं तो उनकी सोच और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी बिल्कुल किशोर सर लास्ट बॉल ला रन शॉट होता का एक रन शॉट होता तो हाँ मत सांगा आम्हाला प्लीज सांगितलं ओके 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 सर थँक्यू का जो मीटिंग चल रहा है उसको प्लीज थोड़ा जल्दी अंपायर थोड़ा ध्यान दिया जाए हमारे पास एक घंटा और मैचेस कराने के लिए और टीम बाकी है और जो फाइनल थे मेरे हिसाब से सभी फाइनल थे फाइनल जो 5 ओवर के वापस हो गए देखते अभी दामोदर भाई के साथ पास आपको एक ही मिलेगा करारा जवाब मिलेगा बाकी कुछ नहीं मिलेगा दामोदर भाई पूरे टूर्नामेंट की अगर चाबी किसके पास रहेगी तो दामोदर भाई के पास है जिसे हम गुरु किल्ली भी कहते हैं क्योंकि जो भी हो वो खुलते हैं तभी मैच पूरा होगा टाइम पे ऐसी सोच होगी तो जाते हैं मैच की तरफ अभी हम मैच थोड़ा सा
एंटरटेनिंग मोमेंट चार गुड़ी बार बॉल बेस्ट दोनों बैट्समैन सी टीम के 51 रन इन 24 बॉल्स पहली पीस बॉल डायरेक्ट स्टंप के पीछे और एक डॉट बॉल है डॉट गेन पीस बॉल 51 रन प्रयास लेकिन टू एंड ऑफ द बैट उसकी अच्छी फील्डिंग एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का भी और समीर वर्मा कप्तान पूरा का पूरा नाम लेकर इनके कंधों पे साफ झलकता हुआ इनके चेहरे पे यस हार्दिक पर जैसे आप कैप्टन के बारे में बोल रहे हैं तो कैप्टन इनिंग खेलनी होगी तभी जाके मैच को जीत सकते हैं और समीर आप अगर बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है ये चार रन मैंने पहले कहा था ऐसा मैच है यहाँ पे बेस्ट टाइम पे बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट इनिंग खेलने की जो कोशिश है वो अपील है क्योंकि समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता तो ऐसा ही मोमेंट है ऐसी मैजिकल इनिंग ऐसा कोई क्रिकेट का आप खेलेंगे तो शायद ही आने वाले दिनों में आपकी चर्चा होगी बिल्कुल नहीं मुझे लगता है यहाँ पे ये दोनों बैट्समैन को अपना 100% देना होगा मैं बैट जीतने के लिए यस क्या बात है बहुत ही बढ़िया बल्ला बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया शॉट तू शेर तो मैं सवा शेर ऐसा कहा इन्होंने क्या बात है कप्तान है भाई उन्होंने बताओ कि उनका ओवर कितना क्रूशियल है उन्हें कमबैक करना ही होगा और वो एक ऐसे बॉलर है जो कमबैक करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि कैप्टन को अगर सिक्स गिर गया ना तो शायद उससे थोड़ा कुछ नहीं होता लेकिन क्या कमबैक किया एक ओवर के बाद 12 रन एक विकेट 12 रन एक विकेट 18 बॉल में 39 18 गेंदों में चाहिए 39 बारिश तो अभी थम चुकी है तो टूर्नामेंट जारी रहेगा ऐसा कुछ सोचते कि बारिश की वजह से और थोड़ा कम करेंगे लेकिन चालू रहेगा चाहे कुछ भी हो अच्छी गेंद बढ़िया गेंद दो रन चुरा लिए गए यहाँ पे बहुत ही आसानी से जा पाते लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये जोड़ी बिल्कुल गेम चेंज कर सकती है यहाँ से लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उनको करना ही होगा क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं फिर एक साल आपको वापस इंतजार करना पड़ेगा अगर हार गए तो बिल्कुल इससे अच्छा अभी ट्राई करो तो बॉल का इशारा दैट विल बी अ फ्री हिट नो बॉल देखते हैं समीर वर्मा जो कप्तान है अपनी टीम के वो इस नो बॉल को कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं एक छह में बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट लेकिन छह में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उन्हें भी ये चीज गलती होगी कि वो एक नो बॉल को छह में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे लेकिन गेंदबाज वो अपने इतना कड़ा अच्छी बैटिंग शायद कैच से खेलने की कोशिश थी लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी एक रन यस शुड गो सर 19 रन 19 सेकंड ओवर ऑफ द मैच और ये तो मुझे लग रहा है कि कीपर को भी शायद दिखी नहीं इतनी पेस गेम थी व्हाट अ स्विंग बॉलिंग अपनी टीम के लिए बहुत ही किफायती ओवर साबित करते हुए और ये तो भाई क्या
थे देखे अंपायर का इशारा ये नहीं, नहीं मुझे लग रहा है कि अंपायर डिसीजन क्या अंपायर डिसीजन रन आउट है अरे ये तो दिखते क्लियर कट यार ए आउट है आउट है आउट है आउट है आउट है कौन है ना एकाए एक बार ना चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग रिव्यू ले रहे हैं यस 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 बराबर बराबर क्योंकि ऐसा मोमेंट में अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं यस भावनी भाई हम सहमत है आपके डिसीजन से दैट इज द रिव्यू थैंक यू टाइम तो लगता है सब नजरें लगा के रखिए सब लोग क्या बात है मुझे लग रहा है कि जो ये सीजन है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि हर एक प्लेयर को लगता है कि ये हमें इस सीजन ये जीतना है कुछ भी हो जाए हम हमारे जी जान से खेलते रहेंगे डिसीजन फाइटिंग है डिसीजन हम रिव्यू लेंगे हम पैसे छोड़ो बड़े से यहाँ पे सोचते हुए खींच के मारा उसके साइड से गया हाथ को लग के नीचे गिरा है गया ही नहीं है उधर नेट तक गया ही नहीं जी आपको बताएंगे कि हाथ को लग के बॉल नीचे गिरी है ये कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे यस स्टार्ट द फेल डिसीजन ओके स्टार्ट थैंक यू थैंक यू बताएं दो ओवर 19 रन दो विकेट 12 गेंदों में चाहिए 32 बारह गेंदों में 32 यहाँ पे शेली बॉल का ओवर काफी क्रूशियल साबित हो सकता है और रनिटो को अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं क्योंकि ये रिवेंज टाइम है इनको भी अच्छे पड़ा था क्योंकि यहाँ पे देखो भी कोशिश है कि ग्राउंड शॉट सिंगल लेने में काफी आप लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रन स्कोर फिर हम देखेंगे ये क्लियर सिक्स है अंपायर को ऐसा क्यों है क्या बात है एक्शन रिप्ले शॉट लेकिन अभी इसको कन्वर्ट किया है वो मेन है ये यहाँ पे अगर समीर को ये मैच अपने तरफ करना है और ये नॉकआउट मैच जीतना है तो 11 बॉल और 4 सिक्स मारने की जरूरत है ले रहे हैं देखो और एक और रन चुरा लिया देखिए हार्दिक जी रात के 11:15 हो गए और 3 रन भाग के निकल रहे मतलब इसे कहते हैं कि नींद उड़ाई है सबकी जुनून यस क्योंकि क्रिकेट का मैच और सीजन जीतता है जुनून क्या बात है क्या दो रन लिखे नहीं समीर अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे और कन्वर्ट करना चाहेंगे तीन सिटी एक रन आप यहाँ चुनाने में तो फिर शायद ही मुझे लग रहा है स्लो ऑफ द बैट अगर देखेंगे और एलिवेशन देखेंगे तो प्रॉपर है उनका फिर कैप नहीं मिल रहे तो ओनली वन एक ही रन मिलेगा 33 रन और जो स्कोर कार्ड
सात गेंदों में चाहिए ओवर ओवर ओके तीन ओवर 33 छह बॉल में 18 छह गेंदों में 18 लास्ट ओवर पे आप आ गए हरदीप जी क्या लगता है आपको क्या कहेंगे हरदीप कुमावा तो एक तरफ उनकी फैन फॉलोइंग एक तरफ जो मेरे आगे पीछे है हरदीप को एक तरफ छह बॉल 18 वाइट बॉल 6 में 17 और ये विकेट ये अच्छी गेंदबाजी पांच में 17 रन की आवश्यकता थी अभी की क्या ऐसा लग रहा है कि शायद समीर को स्ट्राइक देना चाहिए बिल्कुल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे मुझे लगता है सभी उत्साह देने से ग्रेस के दो में ही स्ट्राइक देनी चाहिए वो कन्वर्ट कर सकते हैं देखते क्या होता है और यहाँ पे लेकिन जो सभी कर सकते हैं ये पल्ले पास भी वही कर सकते हैं लेकिन क्या बात है आज जाते ही वहां से पहले ही बॉल पर सिक्स मारना अपनी टीम को जीत के और करीब ले जाना स्कोर को दबाना क्या बात है 4-11 और मैच एलिमिनेट कर रहे हैं सिर्फ पंच कर रहे हैं यही करना होगा लॉफ्टेड शॉट्स एरियल शॉट्स खेलने होंगे क्योंकि 6 मीटर तक अगर ऐसे शॉट्स खेलोगे तो आपको 6 मिल सकता है थोड़ा सा अगर नीचे से भी गेंद गई तो शायद फील्डर के हाथ में आ जा सकती है ये बढ़िया थिंकिंग तीन बॉल बस क्या बात है क्या बात है समीर 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 दो बॉल चार मैच अकेले से समीर की मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है उनकी कैप्टन की जरूरत अपनी टीम के क्या बात है क्या बात है दो बॉल चार रन टू गेंद से 4 रन क्या बात है क्या बात है समीर 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 के लिए एक बात कहना चाहूंगा न कद बड़ा न पद बड़ा जो मुसीबत में खड़ा हो ही सबसे बड़ा और ये बड़े प्लेयर है क्या बात है समीर व्हाट आई मीन